बैफ संस्था ने बनाया यूएई के अबू धाबी में ये भव्य मंदिर। मंदिर का उद्घाटन करने पहुंचे भारत के प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी, और ये मंदिर करीब 27 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यह बैप्स मंदिर अबू धाबी दुबई राजमार्ग से दूर अल बुरीखा के अल अफ्तार रोड पर स्थित है। इस मंदिर में सभी लोग जा सकते हैं। इस मंदिर में किसी भी धर्म के लोगों की एंट्री पर रोक नहीं है। मंदिर में सभी धर्मों और धार्मिक विश्वासों के लोगों के लिए खुला है। इस मंदिर में जाने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है, लेकिन आगंतुकों को मंदिर में जाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट या फिर फेस्टिवल ऑफ हार्मनी ऐप के माध्यम से पंजीकरण करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप मंदिर में जाते हैं, ये काम आप वहाँ भी करवा सकते हैं, लेकिन आप पहले से करवा करके जाते हैं तो आपको वहाँ पे लाइन में लगनी नहीं पड़ती है और सिर्फ QR स्कैन होता है और आप मंदिर में जा सकते हैं। हेलो गाइज, फाइनली अब आ गए हैं जिसका हमें काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, अबू धाबी के मंदिर में जो अभी अभी बना है, इसका उद्घाटन हुआ है और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ पे आए थे। मंदिर में सिक्योरिटी चेक इन के बाद साइड में एक बड़ी सी वॉल है जिसे वॉल ऑफ हार्मनी के रूप में फीचर किया गया है, जिस पर मंदिर के निर्माण की प्रमुख घटनाओं का वीडियो दिखाया गया है। यह दीवार यूएई की सबसे बड़ी 3D प्रिंटेड दीवारों में से एक है और इसमें 30 विभिन्न भाषाओं में सद्भाव लिखा गया है, यानी कि हार्मोनी लिखी गई है। सांस्कृतिक एकता और भारत की समृद्ध विरासत का प्रतीक है ये मंदिर। बैप्स स्वामी नारायण संस्था द्वारा निर्मित मंदिर राजस्थान से संगमरमर की नक्काशी और गुलाबी बलुआ पत्थर के साथ शानदार शिल्प कौशल का प्रदर्शन किया गया है। वहीं आंतरिक भाग में इटालियन मार्बल का यूज किया गया है। ये मंदिर सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक खुला हुआ होता है। इसमें हाथ से नक्काशी भी की गई है, जिसमें राजस्थान और गुजरात के कुशल कारीगरों द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार किए गए 25,000 से भी अधिक पत्थर के टुकड़े हैं। ये शानदार नक्काशी विभिन्न सभ्यताओं के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को प्रदर्शित करती है। और इस हिंदू मंदिर में लगभग 10,000 लोग एक साथ जा सकते हैं। बैप्स स्वामीनाथन संस्था द्वारा निर्मित यह मंदिर भारत के समृद्ध विरासत और भारत और यूएई के बीच मजबूत संबंधों का प्रतीक है। इस विशाल मंदिर के लिए जमीन यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के द्वारा दी गई है। मंदिर के बाहरी हिस्से में 96 घंटियां लगाई गई है और मंदिर में 7 शिखर है जो कि यूएई के 7 एमिरेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी ऊंचाई 32 मीटर, लंबाई लगभग 80 मीटर और चौड़ाई 55 मीटर है। बैप्स के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख ने बताया कि 7 शिखरों पर भगवान राम, भगवान शिव, भगवान जगन्नाथ, भगवान कृष्ण, भगवान स्वामीनाथ नारायण जिन्हें भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है, तिरुपति बालाजी और भगवान अयप्पा सहित देवताओं की मूर्तियाँ हैं। 7 शिखर 7 महत्वपूर्ण देवताओं को भी श्रद्धांजलि देते हैं जो संस्कृतियों और धर्मों के परस्पर संबंध को रेखांकित करते हैं। आमतौर पर हमारे मंदिर या तो 1 शिखर 3 या 5 वाले होते हैं। और ये एक प्रतीकात्मक झरना है जो पवित्र नदियों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन यहाँ आकर 7 शिखर 7 एमिरेट्स की एकता के प्रति हमारी कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही 7 महत्वपूर्ण देवताओं को भी स्थापित करते हैं। सर्पिलों का उद्देश्य बहु सांस्कृतिक परिदृश्य में एकता और सद्भाव को बढ़ावा देना है।
मंदिर में विभिन्न संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले पशुओं की नक्काशी की गई है, जिसमें भारत के हाथी, मोर, गाय और यूएई के ओरिक्स, हिरन, ऊंट और बाज शामिल हैं। सद्भाव का गुंबद 5 प्राकृतिक तत्वों को प्रदर्शित करता है, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और अंतरिक्ष। ये मंदिर का शॉप है, यहाँ पे सोवेनियर से लेकर के पूजा पाठ की सामग्री मिल जाती है। मंदिर का एक अनूठा पहलू सामग्रियों का पुनः उपयोग है। मंदिर के अंदर फर्नीचर, जिसमें प्रार्थना कक्ष, कैफेटेरिया भी शामिल है, लकड़ी के ट्रंक और कंटेनरों से बनाया गया है, जिसका उपयोग भारत के पत्थर को लाने के लिए किया जाता था। और इसी प्रांगण में कैफेटेरिया भी है, जिसमें आपको इडली डोसा से लेकर के पानीपुरी, राज कचौरी और चाट सभी कुछ मिल जाती है। और ये है डिवाइन आई, दिव्य नेत्र, जो मानवता की असीम क्षमता का प्रतीक है। डिवाइन भंवर जैसी मूर्ति मंदिर को एक शून्य के भीतर घेरते हुए है, और यह मूर्ति भारतीय स्टूडियो एपिकल रिफॉर्म द्वारा बनाई गई है। यह मंदिर परिसर के मध्य में स्थित है, और यहाँ से देखने पे पूरी मंदिर एक फ्रेम में दिखती है। और इसका इम्पोर्टेंस ये है कि ये मूर्ति मानवता की असीम क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है और ब्रह्मांड के लिए एक आध्यात्मिक खिड़की का काम करती है।